प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन नए मरीज स्वाइन फ्लू की बीमारी फैलाने वाले वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इसी तरह प्रदेश में अब तक 269 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 31 मरीजों की मौत भी हो गई। स्वाइन फ्लू पीड़ित अन्य मरीजों का उपचार शहर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के CMO SK गुप्ता ने बताया कि सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। स्पष्ट रूप से निर्देशित दिए गए हैं कि मरीजों का उपचार करने में लापरवाही न बरती जाए। स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों को भर्ती करने के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बनाने के निर्देश पूर्व में दिए गए। वहीं स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। अभी तक 269 लोगों में जो स्वाइन फ्लू के डिटेक्ट किया गया है, जिसमें कि 31 पेशेंट की अभी तक मौत हो चुकी है। इन जो 31 पेशेंट में जो मौत हुई है, उसमें 70% से ज़्यादा लोग जो है कोमॉर्बिडिटी यानी और अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। हमारी तरफ से यही कहा जा सकता है कि इससे बचा जाए, लोगों से मिलने जुलने से, जो लोग बीमार हैं उनसे, औरों में जिससे बीमारी ना फैलें, अपने घर पे रहें, वहीं पर सेहत का लाभ, फिजिशियन को जल्दी से जल्दी अपने कंसल्ट करें और उसका समुचित इलाज कराएं। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ काजल की रिपोर्ट।